नमस्कार। ए टू जेड ऑफ डिस्कवर योर सेल्फ ये सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। अभी आज का अल्फाबेट है डब्ल्यू और हम बात करने वाले डब्ल्यू से वेल्थ के बारे में। वेल्थ डब्ल्यू ई ए एल टी एच ये आज का निमोनिक है। बहुत बार लोगों को लगता है वेल्थ यानी पैसा संपत्ति, हाँ वो भी वेल्थ का एक हिस्सा है, लेकिन मैं आज आपको बहुत अलग कुछ बताने वाला हूँ वेल्थ के बारे में। ओके, तो ध्यान से सुनिए, आप सबके काम में आएगी ये वीडियो में बताई हुई चीज़ ऐसी, मैं आशा करता हूँ। सो डब्ल्यू, सबसे पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है डब्ल्यू से वाइज पीपल अराउंड यू। वाइज पीपल आपके लाइफ में, सही दोस्त, सही रिश्तेदार, सही मेंटर्स अगर होंगे तो आधे से ज़्यादा काम, आधे से ज़्यादा मुश्किलें आने के पहले ही हल हो जाएगी। बहुत बार लोगों ने देखा है कि गलतियां करने से पहले ही वो बच जाते हैं अगर उनके आसपास सही लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपके आसपास के जो पांच लोग जो सबसे ज़्यादा आपके साथ टाइम बिताते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तिमत्व अपने आप उनके जैसा बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ध्यान से चुनिए आप किसके साथ टाइम बिताते हो। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो जिसके वजह से आपका दिमाग कलुषित हो रहा है, जिसकी वजह से आप प्रगति की ओर, विकास की ओर नहीं जा पा रहे हो, ऐसे लोगों का साथ सही समय पे छोड़ देना उचित है और सही लोग जोड़ना ज़रूरी है। अगर कोई भी नहीं है तो याद रखिए आप अपने साथ हैं और आपको सही किताबें, सही वीडियोस, इनके ज़रिए बहुत अच्छा विजडम मिल सकता है। ओके, सो वाइज फ्रेंड्स यानि जो सुविचारी लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में होने बहुत ज़रूरी है। देन वेल्थ का ई, एम्पथी। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, एक मैनेजरियल लेवल पे जाना है, लीडर बनना है, परिवार का भी लीडर बनना है आपके, तो एम्पथी होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, सिंपथी और एम्पथी दो अलग अलग बातें हैं। सिंपथी मतलब किसी के बारे में किसी को बुरा लग, कोई गरीब है, कोई लाचार है तो उसके बारे में आपको बुरा लगना, अरे अरे बेचारा गरीब है, अरे अरे बेचारा भूखा है, अरे यार वो अपाहिज है, ये सिंपथी हुई, बट इससे कुछ हासिल नहीं होता। एम्पथी मतलब अपने आप को सामने वाले इंसान की जगह रख के उसको क्या तकलीफ हो सकती है या हो रही है इस पे विचार करना, इतना कि आपको वो दर्द महसूस हो। अगर आपके अंदर एम्पथी है तो आप बहुत बार गलत भाषा इस्तेमाल करने से रुकोगे, बहुत बार गलत निर्णय लेने से रुकोगे, किसी का दिल दुखाने से रुकोगे, और अगर आप लोगों का दिल नहीं दुखाते तो अपने आप आपका जो कबीला है, आपके साथ जो काफिला है वो बढ़ते जाता है, कारवा बनते जाता है, एंड यू बिकम द लीडर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। इसलिए एम्पथी होना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है आपके लाइफ में, आप हासिल कर सकते हो। देन ए से एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये मेरे कई वीडियोज़ में मैं बोल चुका हूँ, हम में से बहुत लोग इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनके प्रति एक धन्यवाद का भाव नहीं रखते। रोज सुबह उठकर और रोज रात को सोते वक्त अगर आप सिर्फ 5 मिनट याद करो कि आज के दिन भर में मैंने, मुझे किसकी मदद हुई, नहीं अगर याद आता है तो आप भगवान में विश्वास करते हो तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, आपको ये पूरा शरीर मिला, आपको घर में खाने की चीज़ें हैं, आपके सिर पे छत है, आपको परिवार है, आपके बदन पे कपड़े हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, आपके दोस्त, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपको लाइफ बनाने का मौका, कई लाखों करोड़ों लोगों को ये मौका नहीं मिलता, आपको मिला है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक मोबाइल है, जिस जो स्मार्टफोन है जो करोड़ों लोगों के पास दुनिया में नहीं है, आपके पास इंटरनेट है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है, आपके पास है। सो हर छोटी चीज़ के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद भाव रखते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, क्योंकि ये विश्व का बहुत सिंपल सा नियम है, जिसको कदर है उसे और मिलेगा, जिसको नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के नम्र विनती, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखिए, बहुत फायदे में रहोगे। देन वेल्थ का अगला पॉइंट है एल, लव अनकंडीशनली। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो भले आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपकी फियांसी हो, फियांसे हो, जो भी है, आपके नेबर्स हो, लव अनकंडीशनली उसे प्यार कहते। जहाँ कंडीशंस आ गए, जहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई का स्टार मार्क आ गया, एस्ट्रिस्क आ गया, वो प्यार नहीं है, वो सौदा है, वो सौदा है। सौदा मत कीजिए अपनों के साथ, मत कीजिए प्लीज़।
अगर आप अपने स्टूडेंट से भी प्यार लव अनकंडीशनली, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई 95% है तो कोई 50% है, मैं सबको प्यार करता हूँ। जो भी मेरे से बात करता है, डाउट्स पूछता है, जो भी मुझसे इवन लाइफ के बाकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, मैं सबको टाइम देता हूँ। मेरे लेक्चर संभाल के, मेरा शेड्यूल संभाल के, जिसको भी मैं टाइम दे सकता हूँ सबसे बात करता हूँ। अगर कभी किसी को खून देने का काम पड़े तो भाग दौड़ करके मैं, मेरा भाई, हम लोग जाते हैं। इसीलिए जब मेरे पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बी नेगेटिव जैसा रेयर ब्लड ग्रुप हमको मिला, क्योंकि वी लव अनकंडीशनली, क्योंकि वी हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें बहुत बहुत गर्व है, बहुत बहुत विनम्र भाव से हम सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दुआएं की मेरे पापा के पापा की तबीयत ठीक होने के लिए, और जिन्होंने एक्चुअल भाग दौड़ करके व्हाट्सएप मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करके और खुद होके आके ब्लड डोनेट भी किया। थैंक यू सो मच। ओके, वी विल ऑल्सो, आई प्रोमिस यू कि हम भी पिछले 20 साल से 51 ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं, वो आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा अथक, ये मेरा वादा है इस यूनिवर्स। देन टी से आता है टेक केयर ऑफ योर मनी। वेल्थ में ऑफकोर्स पैसा भी आता है, और हम सन्यासी नहीं है, हम हिमालय में कहीं किसी पर्वत पे या जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमको मटीरियलिस्टिक जिंदगी जीना है। ये फोन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रिंग लाइट जो यूज कर रहा हूँ, ये कपड़े जो पहने, ये सब कुछ पैसा देकर ही आए हैं, और पैसा अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, कितने पैसे मुझे कमाने हैं, क्या लिमिट में मुझे रहना है, मेरी चादर मुझे, मेरे पैर कितने फैलाने, चादर कितनी बड़ी करनी है, वो सब मेरे ऊपर है। तो आप तय कीजिए आपके कितने बड़े सपने हैं और उसमें पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। पैसा ये कभी भी एंड गोल नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट गोल पैसा नहीं है, उसके परे एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेने। लेकिन अगर मुझे वाइल्ड लाइफ सफारी करनी है, अगर मुझे एवरेस्ट बेस कैंप वापस जाना है, अगर मुझे बंजी जंपिंग करना है, अगर मुझे सेवन सिस्टर्स, हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य है उनका टूर करना है, पैसा तो लगेगा। तो मुझे मेरे पैसे का प्लानिंग करना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा बचा के रखो और आज एकदम कंजूस की तरह जियो, नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे बचा के रखे कि रिटायरमेंट के बाद ये करूंगा वो करूंगा, और बेचारे रिटायरमेंट होने के पहले ही चल बसे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जीना छोड़ दो, लेकिन अपने बुरे वक्त के लिए थोड़ा तो रिजर्व बना के रखो, बहुत जरूरी है। ओके, जैसे हम बोलते ना कि बारिश होने का माहौल है तो छाता लेके निकलो, टू व्हीलर पे जा रहे हो तो हेलमेट पहन के निकलो, कोविड के दिनों में बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहनो। होगा नहीं होगा बाद की बात, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। सिमिलरली आप अपने पैसे का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसे ही आपके काम में आएंगे बुढ़ापे में भी, नहीं तो नट सम्राट या बागबान मूवी की तरह आपको लाचार और बेबस बुढ़ापा जीना पड़ेगा, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे आपकी लाठी बनेंगे कि नहीं, ये आपको नहीं तय करना, ये वो तय करेंगे, पर आपको लाठी की जरूरत ही ना पड़े। ओके, इतना आप अपने पैसे संभालिए। और लाठी से याद आया लास्ट पॉइंट, एच, हेल्दी लाइफस्टाइल। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 80-90 साल की उम्र में भी एकदम परफेक्ट यंग आदमी की तरह उनकी उनका स्टैमिना, एनर्जी है, रोज वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, लाफ्टर क्लब है, सब कुछ है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 40 साल की उम्र में 70 साल के जैसे या 60 साल के गोली खाकर जीते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है बार बार। प्लीज अभी आप जो भी यंग लोग ये देख रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, जंक फूड बहुत कम खाइए। मैं नहीं बोलता मत खाइए क्योंकि वो नामुमकिन है आज की दुनिया में, बट बहुत कम खाइए। एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, दारू, सिगरेट, ये सबसे दूर रहिए। और प्लीज अगर करना भी है तो एक लिमिट में कीजिए, अल्टीमेटली आपका लाइफ है, मैं उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। बट अति तिथे माती, जहां आप बहुत ज्यादा कर दोगे किसी चीज को, वहां वो आपके जिंदगी को नष्ट करेगी। बहुत ज्यादा पानी पीने से भी आदमी मरे, बहुत ज्यादा खाना खाने से भी मरे। बैलेंस रखिए अपने लाइफ में, अच्छे विचार, अच्छा खाना, अच्छा अच्छी सोच, अच्छे दोस्त, पैसा ठीक से संभालना, ये सब कीजिए। लाइफ में वेल्दी रहोगे, बहुत बहुत पैसा भी कमाओगे, बहुत नाम भी कमाओगे। ओके, सिंपल सा मैसेज, आई होप आपको पसंद आया। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके लाइफ में ये वेल्थ हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, इजाज़त चाहता हूँ, मेरा नाम अविरत शेटे, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे अगला टॉपिक लेके, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, जय हिंद।